चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा सेशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हर रोज़ लाइव आते हैं और आने वाले दिनों में हमारा सेशन रहेगा 116 और 101 पे। बाकी सारे स्टैंडर्ड्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, आपको उसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप में से कोई फास्ट ट्रैक बैच परचेज़ करना चाहता है तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी 140 आवर्स की फास्ट ट्रैक बैच है, जिसमें हम लोगों ने सारे स्टैंडर्ड्स कवर करके रखे हैं विद कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 3.130। वेरी गुड मॉर्निंग अरुणा जी, इंद्र जी, सोनू जी, हेमंदर जी, सलोनी जी, साक्षी जी, राहुल जी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहला सवाल देखिए। गुड मॉर्निंग निक्की जी, कीर्ति जी। क्यू लिमिटेड रिलीज एन एडवर्टीजमेंट इन देशबंधु अ वर्नैक्युलर डेली। तो एक न्यूज़पेपर है और एक टीवी चैनल है, ठीक है ना, क्यू टीवी और देशबंधु। तो क्यू टीवी रिलीज एन एडवर्टीजमेंट, इंस्टेड ऑफ पेइंग दे गिव देम एडवर्टीजमेंट स्पॉट। तो इन्होंने इसमें क्या दिया, एडवर्टीजमेंट, बदले में इन्होंने इनको क्या दे दिया, एडवर्टीजमेंट स्पॉट। तो क्यू टीवी वहां पे ऐड कर रहा है, वो लोग अपने इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाउ द रेवेन्यू फॉर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बी रिकॉग्नाइज्ड। क्या इस केस में क्यू टीवी ने जो एड्स सामने वाले को दिया है और उसने जो एड्स अपने को दी है, ये लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इससे रिलेटेड, या नहीं रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते? हम बोलेंगे कि दीज आर कॉन्ट्रैक्ट विद सेम कस्टमर्स, हेंस नहीं कॉन्ट्रैक्ट नॉट विद कस्टमर्स, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, हेंस दिस इज नॉट रेवेन्यू। क्या लगता है आप लोगों को, यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए बताइए क्या लगता है, क्या क्यू टीवी को जो एड्स देशबंधु से मिली है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है? क्या देशबंधु को जो एड्स क्यू टीवी से मिली है वो लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? बताइए, ट्राई कीजिए जरा सा। तो सोनू जी बोल रहे हैं हाँ सर कर सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, इंद्र जी बोल रहे हैं हाँ सर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो वेरी गुड, यस, हाँ यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यू को बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया जाता है। दे आर नॉट इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, एक टीवी वाला एक न्यूज़पेपर वाला है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस होते तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट इज रिसीव्ड। तो क्यू टीवी को क्या मिला, क्यू टीवी को मिला देशबंधु के पेपर में एडवर्टीजमेंट के स्लॉट्स, है ना, एडवर्टीजमेंट के एरियाज, वो एडवर्टीजमेंट के एरियाज की फेयर वैल्यू क्या है, उस पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा है क्यू टीवी। ध्यान रखो, क्यू टीवी किस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, देशबंधु के पेपर में उसको जो स्पॉट्स मिले हैं उसकी फेयर वैल्यू क्या है, और देशबंधु रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा क्यू टीवी, टीवी पे अगर ऐड दिखाता है तो कितने पैसे लेता है उसके, उस बेसिस पे, ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यस यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। एक डाउट, आपका आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम करके एग्जेम्पशन का सोच सकते हैं क्या? टीवाई के भी ऐड कर दीजिए साक्षी जी, तो बिल्कुल कर सकते हैं और किया भी है कई सारे स्टूडेंट्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए, सेम कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पे वो आपको वैल्यू डिटरमिन करने बोलेगा, वन में उसने आज थियरी थियोरेटिकली पूछ लिया, टू में वो आपको उसी की चीज़ का प्रैक्टिकल पूछेगा। ए लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी विच इज एंगेज इन जनरेशन ऑफ पावर। तो ए और बी, बी क्या करता है, पावर जनरेट करता है, ये कौन है, ये टेलीकॉम में। चलो द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट ए विल गिव 1 लाख मिनट्स ऑफ टॉक टाइम। आप क्या दे रहे हो, 1 लाख मिनट्स का टॉक टाइम। नरेंद्र जी पूछ रहे हैं सर प्रेजेंट वैल्यू आएगी क्या, इसमें प्रेजेंट वैल्यू का क्या लेना देना, सामने वाला क्या आपको एक साल बाद में ऐड दे रहा है? आप लोग क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए, कुछ भी कंसेप्ट कहीं भी मत लगाइए ऐसे, एग्जाम कुछ ही दिन में है, ऐसी बातें करेंगे तो कैसा चलेगा। और पावर है इक्विवेलेंट टू 20,000 यूनिट्स। तो बी ए को क्या दे रहा है, 20,000 यूनिट्स का पावर, और ए बी को क्या दे रहा है, 1 लाख मिनट्स का टॉक टाइम। नॉर्मली चार्जेस 0.5 पर मिनट, इसके लिए आप क्या चार्ज करते हैं, 0.5 पर मिनट, और सामने वाला यूनिट्स के लिए कितना चार्ज करता है, 2.5 पर यूनिट, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि टेलीकॉम कंपनी अपने बुक्स में रेवेन्यू किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेगी, और पावर वाला अपने बुक्स में, देखिए इस केस में ना एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों में वैल्यू सेम ही हो रही है ना, अलग अलग थोड़ी आ रही है, दोनों में सेम ही आ रही है, तो कोई सेंस नहीं बनता अपन इस तरह से सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको 3 रुपये कर दे रहा हूँ, मान लो ना यार अपन इसको 3 रुपये कर दे रहे हैं, नहीं तो क्या हो रहा है, दोनों से वैल्यू सेम आ रही है, आप लोग आंसर को जज नहीं कर पाएंगे,
अगर 3 रुपए की इश्कर देता हूँ मैं उसको, तो बताओ ए अपने बुक्स में रेवेन्यू क्या वैल्यू पर रिकग्नाइज करेगा, ए, और बी अपने बुक्स में रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करेगा। हाँ थियोरेटिकली नहीं, आप लोग मेरे को वैल्यू के साथ आंसर देंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड ये सब मत बोलिए, ठीक है? आप लोग आंसर निकाल के दीजिए मेरे को। बताइए। तो टेलीकॉम 60,000 की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, सोनू जी का कहना है, अरुण जी के 60, ऑलमोस्ट सभी लोग 60 बोल रहे हैं ए के लिए, है ना। पावर कंपनी 50 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, सोनू जी का कहना है, बहुत बढ़िया। KSG आपका आंसर गलत है, ए 60,000 की फेयर वैल्यू व्हाट इज रिसीव्ड, ए को पावर मिल रहा है, ए को पावर मिल रहा है 60,000, ए का 60 बी का 50, बहुत बढ़िया निखिल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हेमंदर जी, बहुत बढ़िया अरुणा जी, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सलोनी जी, बहुत बढ़िया कीर्ति जी, समझ गए आप लोग, ये बेसिक कंसेप्ट है। चलिए मूविंग अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन। कंपनी एक्स एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 2001 विद अ कस्टमर फॉर रिनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड इंस्टॉल अ न्यू एयर कंडीशनर फॉर टोटल 50 लाख। 50 लाख रुपए में आपको दो काम करके देना है, हॉस्पिटल को रिनोवेट करना है और नया एयर कंडीशनर फिट करना है। प्रोमिस्ड रिनोवेशन सर्विस इंक्लूड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एयर कंडीशनर इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। यानी उनका कहना है कि भाई आप रेवेन्यू थोड़ी थोड़ी करके रिकॉग्नाइज, ओवर टाइम जब भी लिखा मतलब प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 40 लाख, जिसमें 10 लाख रुपीज एयर कंडीशनर की वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। कंपनी एक्ट डिटरमाइंड दैट एक्ट एज अ प्रिंसिपल इन अकॉर्डेंस विद B 34 to 38। यानी कि हम एजेंट नहीं है सामने वाले के, हम एज प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बोल दिया। बिकॉज इट ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ एयर कंडीशनर बिफोर दे आर ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर, द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ एयर कंडीशनर व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द हॉस्पिटल प्रीमाइस। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है, एयर कंडीशनर को आप एज प्रिंसिपल खरीद रहे हैं और कस्टमर के पास एयर कंडीशनर का कंट्रोल उस दिन चले जाएगा जिस दिन आपने एयर कंडीशनर सामने वाले को डिलीवर कर दिया। अब ये क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को एक बहुत छोटा सा माइनर कन्फ्यूजन रहता है, बहुत बड़ा नहीं, यही सेम क्वेश्चन आपने लिफ्ट वाला पढ़ा होगा, थियरी क्वेश्चन में भी और एग्जाम में भी आ चुका है। तो होता क्या है, देखिए आपने बोला है कि भैया मैं हॉस्पिटल बना के दूंगा, रिनोवेट करके दूंगा, ये आपका काम है। एयर कंडीशनर फिट करना देखा जाए तो आपका काम नहीं, आपको एयर कंडीशनर फिट करने का काम मिला, आपने तो किसी और को सबलेट कर दिया होगा, नो डाउट उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके ऊपर है, पर आप उसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मेन मुद्दा ये है कि अगर एयर कंडीशनर आपने खरीदा है 10 लाख रुपए का, तो सामने वाले को भी आपने एयर कंडीशनर 10 लाख रुपए में ही दिया होगा। ये बात सब लोगों को समझ में आई क्या? अगर आपने एयर कंडीशनर 10 लाख में खरीदा है, तो सामने वाले को भी 10 लाख में ही दिया होगा, क्योंकि देखो वहाँ लिखा है कि कस्टमर को एयर कंडीशनर जिस दिन डिलीवर हो गया उस दिन उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको ट्रांसफर हो गया, तो डायरेक्टली एयर कंडीशनर कंपनी से खरीद लेता, वो आपके थ्रू क्यों खरीद रहा है? वो बोल रहा है यार तुम पूरा रिनोवेशन तुम ही कर रहे हो, ये भी तुम ही खरीद के लेके आ जाओ। सामने वाले का मेन प्राइमरी सर्विस है रिनोवेशन, नो डाउट ही इज नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट, ही इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, रिस्क एंड रिवॉर्ड उसी के ऊपर है, पर जिस दिन डिलीवर आपके प्रीमाइस में हो गया उस दिन से तो रिस्क आपके हाथ में ट्रांसफर हो ही चुका है ना, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो एयर कंडीशनर उसका पार्ट नहीं हो सकता, रेवेन्यू का पार्ट है, रेवेन्यू के लिए नहीं बोल रहा मैं, रेवेन्यू का पार्ट है, पर जब आप प्रोपोर्शनेट इनकम की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर प्रोपोर्शनेट इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो तब एयर कंडीशनर उसका पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम 40 लाख को टोटल कॉस्ट का बेस नहीं मानेंगे, हम 30 लाख को टोटल कॉस्ट का बेस मानेंगे, 30 लाख। रेवेन्यू हम 50 लाख नहीं मानेंगे, रेवेन्यू हम 40 लाख मानेंगे, ये सबको समझा, दोनों में से 10-10 लाख रुपीज हमने माइनस कर दिया है। अब वो यहाँ पे बोल रहा है आपने अभी तक के टोटल 6 लाख रुपए का काम कर दिया है, तो जब आप बोलते हैं कि मेरा प्रोपोर्शनेट कितना काम कर दिया, तो डैट विल बी 6/30, मैंने इतना काम कर दिया, और मैं रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 40, इस काम से रिलेटेड मैं इतनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा काम से। क्या आप ये समझ पाए, क्या ये सबको क्लियर है, दैट वी हैव डन 20% वर्क और 8 लाख रुपीज इससे रिलेटेड मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। अब जब मैं अकाउंट करूंगा रेवेन्यू, जब मैं अकाउंट करूंगा रेवेन्यू, बहुत बढ़िया सोनू जी, तब मैं 8+10 की रेवेन्यू दिखाऊंगा, और कॉस्ट जब मैं अकाउंट करूंगा तो 6+10 का कॉस्ट दिखाऊंगा। अब ठीक है, 8+10 और 6+10 का हम कॉस्ट दिखाऊंगा, बिकॉज वी एक्टिंग एज प्रिंसिपल, वी आर नॉट एक्टिंग एज एजेंट। तो एयर कंडीशनर का मिला हुआ पैसा पूरा रेवेन्यू में जाएगा, पूरा का पूरा रेवेन्यू में जाएगा, क्या क्लियर है, समझ गए, बहुत बढ़िया सोनू जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अरुणा जी, बहुत बढ़िया हेमंदर जी,
चलो किसी को कुछ पूछना है इसमें, ये क्वेश्चन में कुछ पूछना है? ऐसा सेम क्वेश्चन आपको लिफ्ट वाला भी मिलेगा इलस्ट्रेशंस के अंदर में, यहाँ पे ये क्वेश्चन एयर कंडीशनर के नाम पे, दोनों में से कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। चलिए मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया इंद्र जी। एन एंटिटी जी लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर पी फॉर सेल ऑफ मशीन फॉर 20 लाख। पी इंटेंड्स टू यूज द सेट मशीन फॉर द फूड प्रोसेसिंग यूनिट। द फूड प्रोसेसिंग यूनिट इज हाईली कॉम्पिटेटिव एंड वेरी लिटिल एक्सपीरियंस इन द सेट फील्ड। आप इसको मार्क करके रखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके अंदर में भी मैं आप लोगों को कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया विशाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। आई थिंक आपका ग्रुप 2 बचा है आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड आपने लिखा है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पी लिमिटेड पेज अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 1 लाख, नॉन रिफंडेबल, ठीक है? एंड एंटर्स इनटू लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद जी रिमेनिंग 95% एग्रीड कंसिडरेशन इंटेंड्स टू पे प्राइमरली फ्रॉम इनकम डिराइव फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अब सामने वाले का फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, हमने उसको मशीन दे दी, उसने हमको नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट 1 लाख रुपए दे दिया, जो बचा हुआ 95% है 19 लाख, वो बोलता है कि हम इनकम से देंगे, जो फूड प्रोसेसिंग से हम लोग इनकम कमाएंगे उससे आपको पैसे देंगे। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इज नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स मतलब अगर कल जाके हम पैसे नहीं दे पाए तो आप हमसे रिकवरी नहीं कर सकते, नॉन रिकोर्स, ठीक है ना? डिफॉल्ट्स तो आप मशीन तो रिपोजेस कर सकते हैं, मशीन वापस ले सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ मशीन 12 लाख है। कंट्रोल ऑफ द मशीन आपने इंसेप्शन पे सामने वाले को दे दिया था, इंसेप्शन पे सामने वाले को दे दिया था। एंड हाउ शुड द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड, इसमें एक लाइन छूट गई, पी इनएक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड में। पी कहाँ लिखा है? लिटिल एक्सपीरियंस। पी का इसमें एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है इस फील्ड में। तो ये जो 1 लाख रुपए हमको मिले, क्या मैं इसको रेवेन्यू में ट्रांसफर कर सकता हूँ, हाँ या नहीं? ये जो 1 लाख रुपए हमको मिले, क्या हम इसे रेवेन्यू में ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ या नहीं, आप लोगों को ये बताइए। चलिए, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, बताइए बताइए। सोनू जी का कहना है हाँ कर सकते हैं सर ट्रांसफर। प्रवीण जी का कहना नहीं। ऑलमोस्ट सभी लोग हाँ बोल रहे हैं। हिरेन जी का कहना नहीं। केएस जी का कहना नहीं। इंद्र जी का कहना नहीं, ठीक है ना? नहीं, नहीं कर सकते सर। क्यों सर? नॉन रिफंडेबल है, पैसे तो लौटाना नहीं है। ये 1 लाख आपको मिले मशीन के अगेंस्ट। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए की रेवेन्यू दिखाऊंगा, मशीन भी सामने वाले को ट्रांसफर हो गई, तो मशीन को भी फिर कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में डाल देना चाहिए। मशीन को भी फिर एक्सपेंसेस में डाल दीजिए ना, तो आप 12 लाख रुपए की मशीन एक्सपेंस में दिखाएंगे, 1 लाख रुपीज की रेवेन्यू दिखाएंगे, मतलब 11 लाख का लॉस। आप बताइए आप लोगों को 11 लाख का लॉस हुआ क्या? क्या लॉजिकल लग रहा है? बताइए जिन्होंने भी हाँ बोला, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लॉजिकल लग रहा है कि हाँ यार 12 लाख रुपीज की मशीन भी एक्सपेंस में चल जाएगी, 1 लाख रुपी रेवेन्यू में चले जाएगा, और इसका मतलब हम 11 लाख रुपीज का लॉस बुक करेंगे? या आपको ये लग रहा है कि सर पूरा 20 लाख रुपए का रेवेन्यू बुक कर दीजिए ना, पूरा मशीन का रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हो गया, तो पूरा 20 लाख रुपीज का रेवेन्यू दिखा दीजिए। ये लॉजिकल लग रहा है सबको? 20 लाख का पूरा रेवेन्यू दिखा देते ना, मशीन तो गई सामने वाले के पास, रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हो गया, तो पूरा 20 लाख रुपीज के पे की रेवेन्यू दिखा देते हैं, तो 11 लाख का लॉस तो लॉजिकल नहीं लग रहा है ना। 10 लाख रुपीज का लॉस, 11 लाख का लॉस बराबर। तो वरुणा जी ने तो बोल दिया कि लॉजिकल नहीं है। हाँ भाई पूरा 20 लाख कैसे सर? 12 लाख कैसे? नेक्स्ट पेज पे पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। 12 लाख रुपीज का कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन 12 लाख दिया है, नेक्स्ट पेज पे पढ़िए। हाँ अब देखो पूरा 20 का रेवेन्यू नहीं दिखा सकते, क्यों? देखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन की 5 कंडीशंस होती है, 5 कंडीशन में से इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे पहला कंडीशन है उसकी भी 5 कंडीशन है, जिसमें 5वां कंडीशन ये है, कॉन्ट्रैक्ट जो पहला कंडीशन है उसका 5वां कंडीशन ये है कि इट शुड बी प्रोबेबल कि आपको ये पैसा मिल जाए। सामने वाले का एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, वो इनकम से अपने को पैसे देगा, नॉन रिकोर्स बेसिस पे अपन ने दिया, मशीन उठा के कभी भी ला सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऐसी बैठ नहीं रही एकदम कि अपने को पैसा मिल जाएगा, अपने को बचे हुए 19 लाख मिल जाएंगे, एकदम ऐसी प्रोबेबिलिटी बैठ नहीं रही। तो 20 लाख की रेवेन्यू नहीं दिखा सकते, पहला वो स्कोप से हट गया, मैं 20 का रेवेन्यू नहीं दिखा सकता। दूसरा पॉइंट है मशीन नॉन रिकोर्स पे दिए, हो सकता है वो डिफॉल्ट करे क्योंकि लिटिल एक्सपीरियंस है, मतलब मशीन मैं वापस से रीपजेस कर सकता हूँ। रिस्क एंड रिवॉर्ड इज नॉट ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड इज नॉट ट्रांसफर्ड, ये नॉन रिकोर्स से समझ में आ रहा है, लिटिल एक्सपीरियंस से समझ में आ रहा है, पैसा भी तो नहीं मिला ना,
पैसा भी नहीं मिला, प्रॉबेबल भी नहीं है कि पैसा मिला है. कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, रेवेन्यू कैनॉट बी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू कैनॉट बी रिकॉग्नाइज, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस कैनॉट बी बुक. ना तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 20 लाख का, ना ही आप 12 लाख रुपए का एक्सपेंस बुक कर सकते हैं. आप बोल रहे हैं सर 1 लाख की रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज कर ही दीजिए. अगर मैं आज 1 लाख रुपए की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देता हूँ तो आज प्रॉफिट दिख जाएगा? सोच के देखो अभी आप लोग, बट ठीक है ना, आप सोचोगे उससे मैं आंसर बराबर आपको समझा दूंगा. आज आप बोल रहे हो 1 लाख रुपए की रेवेन्यू दिखा दो, चलो दिखा देते हैं, एक्सपेंस तो बुक नहीं कर सकते 12 लाख का. कल जाके उसने बचे हुए पैसे नहीं दिए तो आप मशीन उठा के वापस ला लोगे, फिर वो मशीन शायद इम्पेयर हो गई, थोड़ा सस्ते में बिकेगी. सपोज कीजिए कि वो मशीन आपने 5 लाख रुपए में ही बेच पाए, लेट्स जस्ट अज्यूम कि हाँ 5 लाख रुपीज में आप सेल कर पाए, तो 7 लाख रुपीज का लॉस बुक हो गया. फर्स्ट ईयर आपने 1 लाख का रेवेन्यू बुक किया, नेक्स्ट ईयर आप 7 लाख का लॉस बुक कर रहे हैं. रैंडम फिगर्स लिए हैं मैंने पूरे के पूरे, जबकि नेट आपको सिर्फ 6 लाख रुपए का ही लॉस हुआ है. तो आपने दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स में एक साल में प्रॉफिट दिखा दिया 1 लाख का, ओवर बुकिंग ऑफ प्रॉफिट कर दिया, एक साल में आपने ओवर बुकिंग ऑफ एक्सपेंस कर दिया. क्या ये सही लग रहा है आप लोगों को करना? क्या ये आप लोगों को सही लग रहा है करना? इज दिस करेक्ट कि हाँ चलो ठीक है ना, आज 1 लाख का रेवेन्यू दिखा देते हैं, कल अगर मशीन वापस आ गई तो उसमें कोई लॉस होगा तो तब बुक करेंगे. डू यू फील दिस इज करेक्ट? ये कर सकते हैं हम? ये सही लग रहा है आपको? तो जब भी आप कोई आंसर देते हैं तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जितने प्रिंसिपल्स होते हैं, बेस प्रिंसिपल्स, एटलीस्ट बेस प्रिंसिपल्स को टेस्ट कर लिया कीजिए यार. मैचिंग कॉन्सेप्ट बेटर है क्या, प्रूडेंस बेटर है क्या, ये सारी की सारी चीजें चेक कर लीजिए. तो ये सब नहीं हो रहा ना. अब हेमंदर जी बोल रहे हैं सर मशीन वापस लाए तो 12 लाख की रेवेन्यू दिखा सकते हैं क्या? अरे मशीन वापस आपके पास आ गई, आपके बुक्स में तो ऑलरेडी 12 लाख की मशीन दिख रही थी, वापस लेके आ गया. अब आप बेचने जाओगे तो कौन सी 12 में बिक जाएगी? यार जितने में भी बिकेगी. तो मैं तो आपको रैंडम फिगर बताया ना कि सपोज 7 में बिकी, तब तो 7 का ही रेवेन्यू दिखेगा. आप खुद सोचिए तो सही, आपकी मशीन आपके पास वापस आ रही है, आप उसका 12 लाख का रेवेन्यू दिखाने की बात कर रहे हैं कि सर मैं मशीन वापस लेके आ गया, मैं 12 की रेवेन्यू दिखाऊंगा. आपने 12 का एक्सपेंस ही बुक नहीं किया था, ठीक है ना, कुछ सोच के बताइए. वो तो एक्चुअल इवेंट पे डिपेंडेंट है ना, तो आपको सोचना तो पड़ेगा ना नरेंद्र जी. रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हुआ नहीं. आप मेरे को क्या बोल रहे हैं? आज 1 लाख की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की बात की ना आपने, तो मैंने आज के 1 लाख रुपीज की रेवेन्यू की बात की. सपोज कीजिए कल जाके बचा हुआ पैसा नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी तो है, इसीलिए आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे. पॉसिबिलिटी जब होती है कि मशीन शायद वापस हमारे पास आ सकती है, इसीलिए तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता ना. तो जब आपको लग ही रहा है कि हाँ ये मशीन शायद वापस आ जाती है, तो ये पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो तो सही. वापस आ गई तो क्या करोगे? तो क्या ऐसा लॉस बुक करोगे? आपने आज 1 लाख रुपीज का गेन बुक करके फ्यूचर में 7 लाख रुपीज का लॉस बुक करना, क्या ये सही है? आप मेरे को ये बताओ. आप ये मत बताओ सर आप तो रैंडम हाइपोथिकेटेड इवेंट बता रहे हो. पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है. मैं ये बता रहा हूँ आप अकाउंटिंग गलत कर रहे हैं क्योंकि आप ये चीज नहीं सोच पा रहे. मैं सिर्फ ये प्रूव करने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके साथ. तो ये समझ में आ रहा है? इट डजंट मेक सेंस. जिस साल आपको लॉस हो रहा है उस साल पूरा लॉस बुक होना चाहिए था, या जिस साल आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसी साल पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक होना चाहिए था. मैचिंग कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है कि जब आप रेवेन्यू तभी दिखाएंगे जब आप उससे रिलेटेड एक्सपेंस बुक कर रहे हैं. अगर उससे रिलेटेड एक्सपेंस बुक नहीं हो रहा तो रेवेन्यू भी नहीं दिखना चाहिए. नहीं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट और है क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट यही होता है. समझा कि नहीं समझा? इसका मतलब ये 1 लाख रुपए रेवेन्यू में नहीं जाना चाहिए. इसका मतलब ये रेवेन्यू 1 लाख रुपए में नहीं जाना चाहिए. सेम चीज इंडेस 115 बोल रहा है. इंडेस 115 क्या बोलता है? इंडेस 115 की पहली लाइन ही है कि जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता, प्रोबेबल नहीं है कि पूरा पैसा मिल जाएगा, आप रेवेन्यू नहीं दिखा सकते. इंडेस 115 यही बोलता है ना कि जब तक प्रोबेबल नहीं है कि आपको कितना पैसा मिल जाएगा, आप रेवेन्यू नहीं दिखा सकते. तो आप 1 लाख की भी रेवेन्यू कैसे दिखा देंगे? जस्ट बिकॉज इट इज रिटन नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट मैं रेवेन्यू दिखा दूंगा? मतलब सिर्फ एक नॉन रिफंडेबल वर्ड से मैं रेवेन्यू दिखा दूंगा? डजंट मेक सेंस. समझ रहे हैं आप? ये इलॉजिकल बातें. अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो जैसे आप लोग इंडेस 109 में डिस्काउंटिंग करते हैं, तो डिस्काउंटिंग करने के बाद एक डिफरेंस आता है ना. फिर आप कुछ इक्विटी कंपोनेंट दिखाते हैं, कुछ लाइबिलिटी कंपोनेंट दिखाते हैं. आपके जेब से पैसा तो उससे ज़्यादा जाने वाला है या उससे कम जाने वाला है? अलग अलग सीनेरियो में अलग अलग पोजीशंस बन रही है कि नहीं? तो अगर सपोज कीजिए कम पैसा जाने वाला है तो डिफरेंस को आप रेवेन्यू क्यों नहीं दिखा देते? पहले ही दिन आपने डिफरेंस को रेवेन्यू दिखा देना चाहिए था. जब आप बोल ही रहे हैं ये डिफरेंस का पैसा मैं नहीं भरने वाला हूं, तो ये इक्विटी कंपोनेंट की बात कहां से आई? आप उसको पीएल में डाल दीजिए ना. आप बोल दीजिए कि ये तो मेरी रेवेन्यू, आई डोंट हैव टू रिफंड इट. वो कॉन्सेप्ट फिर वहां पर भी लगाइए. तो सोच के देखिए, ऐसा नहीं होता. ठीक है सर, इफ इन दिस केस इट इज मेंशन दैट डाउन पेमेंट, तो क्या हम रिकॉग्नाइज करते? नहीं करते सोनू जी, तब भी नहीं करते. तो आज कुछ नहीं दिखाएंगे, 1 लाख 20 लाख बोथ, हाँ कुछ भी नहीं दिखाएंगे नरेंद्र जी. जिस दिन आप श्योर हो गए कि हाँ बचा हुआ पैसा मिलने वाला है, उस दिन ये रेवेन्यू में जाएगा.
या जिस दिन आप श्योर हो गए कि नहीं अब तो मशीन वापस आने वाली है, मशीन वापस आ जाएगी, उस दिन ये रेवेन्यू में जाएगा, तब तक नहीं जाएगा, समझा? या तो मशीन वापस आने के लिए श्योर हो जाओ, ठीक है ना, अभी आप बीच में हो, आपको ये भी नहीं पता पैसा मिलेगा कि मशीन, सो इट इज इलॉजिकल। जिस दिन पैसा मिलने के लिए श्योर हो उस दिन ही 1 लाख रेवेन्यू में गया, इनफैक्ट पूरा 20 लाख रेवेन्यू में गया उस दिन तो। जिस दिन पैसा नहीं मिलेगा मशीन मिलने के लिए आप श्योर हो उस दिन ही 1 लाख रेवेन्यू में चल जाएगा। आज नहीं जा सकता, आज नहीं जा सकता, ठीक है? अभी क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 4 को जितने एंगल्स से मैं समझाता सकता था वो एंगल्स मैंने बता दिए, और इंडेस 115 से मैंने आपको कोरिलेट कर दिया कि इंडेस 115 का पहला पॉइंट ही है यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू अनलेस इट इज प्रोबेबल। एग्जामिनेशन आंसर तो ये एक लाइन ही है कि इट इज अनलेस इट इज नॉट प्रोबेबल दैट रेवेन्यू विल बी रिसीव्ड यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, तो 1 लाख भी रेवेन्यू में नहीं जा सकता इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। पर इस लाइन के पीछे आप लोगों को 4-5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने थे जो मैंने आपको समझाया, ठीक है? अब 1 लाख की एंट्री क्या होगी, यही दिक्कत है ना, तो 1 लाख रुपीज आपका पड़ा रहेगा लाइबिलिटीज साइड में, है ना, मोस्टली वो नॉन करेंट में पड़ा रहेगा, नॉन रिफंडेबल है, फाइनेंशियल नहीं है, ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल नेचर का है, तो ये नॉन करेंट में पड़ा रहेगा, ये करंट में नहीं पड़ा रहेगा, ये नॉन करंट में पड़ा रहेगा, ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट लाइबिलिटीज। चल कुछ और पूछना है आपको तो बताइए। अनअर्न्ड इनकम है 1 लाख रुपए, हाँ आज अनअर्न्ड इनकम है 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटिटी वन कस्टमर लाइबिलिटी 1 लाख रुपए, हाँ कस्टमर लाइबिलिटी नाम से ही दिखेगा सोनू जी, करेक्ट है। एंटिटी वन सेल्स अ पीस ऑफ मशीन टू द कस्टमर फॉर 2 मिलियन पेबल इन 90 डेज। एंटिटी वन इज अवेयर एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन दैट द कस्टमर माइट नॉट पे द फुल वैल्यू, तो पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 1.75 मिलियन आपको मिल जाएगा, कॉस्ट है 1.5, तो मैंने रेवेन्यू कितना दिखाना चाहिए, 2 की 1.5। क्वेश्चन नंबर 5, कस्टमर को आपने मशीन बेची 2 में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2 नहीं देगा, 1.75 ही देगा, तो व्हाट इज द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज टुडे, 2 या 1.75, बताइए बताइए। सोनू जी का कहना है 1.75, इंद्र जी का कहना है 1.75, बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया अंकित जी, जया जी, अरुणा जी, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, आपके सामने एक टेबल है जिसमें बताया अलग अलग प्राइस अगर आप इतना वॉल्यूम ऑर्डर करते हैं तो। एंड में लिखा है देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, जे एस्टिमेट टोटल सेल वॉल्यूम टू बी 2.8 मिलियन कंटेनर्स ओवरऑल, टोटल जो सेल रहेगा वो 2.8 मिलियन कंटेनर्स रहेगा, यानी 28 लाख, तो व्हाट इज द प्राइस यू आर एक्सपेक्टिंग, कि जे को आप जो प्राइस प्रोवाइड करेंगे वो कितना रहेगा साल भर का, पर फिलहाल उसने 7 लाख कंटेनर्स ही ऑर्डर किया, सो व्हेन ही हैज ऑर्डर 7 लाख कंटेनर्स, अभी तो आप उससे पहला वाला ही प्राइस लोगे, इनिशियल प्राइस 100 रुपीज, सॉरी तो अभी आप उससे 100 रुपीज़ का प्राइस ले रहे हो, बट ऑब्वियसली वो जो डिफरेंस रहेगा जो भी अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आप उसको रिफंड कर दोगे, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 90 का प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर अभी 100 है, अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और स्टूडेंट ने क्या गलती की थी मैं आपको बताता हूँ, तो हाँ 90 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा बराबर, बट टुडे ही हैज पेड एज पर 100 रुपीज़, है ना। कस्टमर लाइबिलिटी 10, वेरी गुड, तो जब आप कैश डेबिट कर रहे हैं तो आप कैश डेबिट कर रहे हैं 70 के हिसाब से 7 लाख 70 लाख 700 लाख, है ना, रेवेन्यू में 90 के हिसाब से 630 लाख जाएगा और कस्टमर लाइबिलिटी में जाएगा 70 लाख। स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या करके आए, स्टूडेंट्स एग्जाम में 630 की रेवेन्यू और 630 का ही कैश लिख के आए, कैश डेबिट 630 टू रेवेन्यू 630, एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिया, मतलब आप सोचिए ना, जब आपको 100 के हिसाब से पैसा मिला है तो आप 100 के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे ना, मुद्दा समझे कि नहीं समझे, अब जो बचा हुआ 70 है वो आपको रिफंड करना है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपकी है कि नहीं, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटीज में पड़ा रहेगा, 1 साल का ही है ना ये कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का टारगेट है, तो बचा हुआ पैसा आपको लौटाना है सामने वाले को, बस ये ध्यान रखना है एग्जाम में, ऐसी गलती मत करना कि सिर्फ 630 की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग एड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, के सेल्स इलेक्ट्रिक रेजर्स फॉर 50 रुपीज, देयर इज अ रिबेट कूपन इनसाइड ऑफ 10 रुपीज दैट कैन बी रिडीम्ड,
जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे रिडेम्पशन की बात हो रही है, ठीक है ना। अब रिडेम्पशन के बाद बोला गया है कि एस्टिमेट 20% टू 25% ऑफ एलिजिबल रिबेट्स टू बी रिडीम, 20 से 25 करीब करीब 25% हम लोग हाईली प्रोबेबल हैं कि इसमें से 25% रिबेट हो जाएगा, यानी 25% ऑफ 10 रुपीज़, 25% ऑफ 10 रुपीज़ 7.5। अब मेरा सवाल आपसे ये है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। पहला पॉसिबिलिटी कि आज मैंने 50 रुपये की रेजर दी है और 7.5 का रिबेट है, पर मैंने पैसे आज 50 रुपये लिए कस्टमर से, तो मैं 50 रुपीज़ को इन दोनों में एलोकेट कर दूँ, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, 50 रुपीज़ आज मैंने कस्टमर से लिए हैं, आज जो रेजर दी उस पर 42.5 की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता हूँ, और फ्यूचर में ये रिडीम करना है ना 7.5, तो 7.5 को फ्यूचर में अलग से दिखा देता हूँ बुक्स में। दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी सही लग रही है बताइए, दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी सही लग रही है? हाँ, आप तो बोल रहे हैं अरुणा जी जर्नल एंट्री नॉट आस, एग्जाम में पूछी थी ना, एग्जाम में पूछी थी, फिर क्या गलती होती है, मैंने वो बता दिया, आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ तो बताइए, केस वन सही लग रहा है कि केस टू सही लग रहा है? अच्छा, वो 2.5 है, बराबर बोल रहे हैं आप, मेरी गलती है, 2.5, ये 47.5 होगा और ये 2.5 होगा, करेक्ट करेक्ट, मैंने गलती से 7.5 लिख दिया, मैं चेंज करता हूँ उसको। 50 और 2.5, इन दोनों में 50 को एलोकेट करें, एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट करके जो कॉन्सेप्ट था इंडिया 115 में, केस वन, और केस टू 47.5 और 2.5 अलग अलग कर दें। तो हेमंदर जी बोल रहे हैं केस टू, हिरेन जी बोल रहे हैं केस टू, इंद्र जी बोल रहे हैं केस टू, है ना, तो यस केस टू। एक डिफरेंस ध्यान रखिए, मैं कस्टमर को बोलता हूँ, मैं उसको एक डिस्काउंट कूपन देता हूँ और बोलता हूँ तू फ्यूचर में आ, फर्दर शॉपिंग कर, मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है उसको फ्यूचर में वापस आना है, ऐसे में एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट कॉन्सेप्ट होता है। केस वन, कस्टमर को वापस फ्यूचर में आना है डिस्काउंट को लेने के लिए, और जहाँ पे आपने सिर्फ एक रिबेट कूपन दे दिया, तू जा घर, वो कार्ड को कॉइन से स्क्रैच कर, उसमें जो भी रिबेट आएगा वो पैसे लेके चले जाओ वापस, उसमें कूपन कोड है, वो कूपन कोड डाल, वो पैसे तेरे को पेटीएम में मिल जाएंगे। ये केस टू है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कस्टमर के ऊपर। एक है उसको फ्यूचर में और शॉपिंग करने आना है, और केस टू उसको फ्यूचर में आना ही नहीं है, उसने सीधा सीधा रिबेट कूपन से रिबेट ले लेना है, ठीक है। अगर फ्यूचर में उसको शॉपिंग के लिए आना है, केस वन एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट कॉन्सेप्ट बनता है, केस टू बनता है जब रिडीमशन के लिए आता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सब लोग। सेकेंड ऑप्शन सही था आप लोगों का आंसर, तो 2.5 कस्टमर लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन्युफैक्चरर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू द रिटेलर फॉर रुपीज 1000, द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो ऑफर्स प्रोटेक्शन वेयर बाय इट विल रीइंबर्स द रिटेलर एनी डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस ऑफर्ड विद इन 6 मंथ्स। तो आज तो 1000 रुपये में खरीद लिया और हमने सामने वाले को अश्योर किया कि अगर हमने फ्यूचर में डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट हम आपको कैरी ओवर कर देंगे, हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम 5% से पैसे कम करेंगे, हम फ्यूचर में 5% डिस्काउंट देंगे कस्टमर्स को, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज जब 1000 मिले तो पूरे 1000 की रेवेन्यू दिखा दें या 5% लेस करके रेवेन्यू दिखाना बताइए। और जब तक आप लोग बता रहे हैं, आप 50:2.5 में एलोकेट कर दीजिए हेमंदर जी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये सब मत पूछिए प्लीज। मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, हाँ आप लोग जब तक ये सॉल्व कर रहे हैं, अपने आरटीपी एमटीपी के इंडेक्स 115 के दो वीडियोज़ हैं, दोनों वीडियोज़ मिला के करीब करीब 3.5 घंटे के, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, तो वो दो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, इंडेक्स 115 और डिटेल में क्लियर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए वहाँ पे, ठीक है। लेस करते हैं, 950 का रेवेन्यू दिखाएंगे, बहुत बढ़िया, यस 950 आज रेवेन्यू में चले जाएगा और 50 रुपीज़ को आप कस्टमर लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एम 1000 टेलीविजन्स टू रिटेलर आर फॉर 50 लाख, एम प्रोवाइड्स प्राइस प्रोटेक्शन टू आर बाय एग्रीइंग टू रीइंबर्स आर एनी डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस ऑफर्ड टू द कस्टमर्स इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। सेम क्वेश्चन एज अबव, ठीक है, तो अब ये वाला आप लोग बताइए कितना होगा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके। पेटीएम इंस्टेंट कैशबैक होगा जब व्हेन कस्टमर हैज नो ऑब्लिगेशन, तब क्या होगा सौरभ जी? अगर इंस्टेंट कैशबैक है तो जहाँ यहाँ हमने 25% प्रोबेबिलिटी की बात की, वो 25% प्रोबेबिलिटी की जगह 100% होगा, 10 रुपीज़ पूरा का पूरा आप कस्टमर लाइबिलिटी मान लेंगे, या कस्टमर लाइबिलिटी मान के करेंगे क्या, मतलब वो तो गए ना पैसे, वो तो आपने दे दिए सामने वाले को पैसे, तो आप कैश को ही डेबिट फिर 40 से कीजिए ना, टू रेवेन्यू 40,
तो बात वही रहेगी। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कीजिए सौरभ की, ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में आएगी। आप ऐसी एक चीज़ बोल रहे हैं, मैं ऐसे 100 केसेस आपके सामने रख सकता हूँ। अभी सिर्फ एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उतना सोचिए, ठीक है? धन्यवाद जया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ वेटेड एवरेज लिया गया है तो 20% 100, 10% 100 दोनों मिला के 200, बहुत बढ़िया, शानदार। मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी सी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ई टू बिल्ड एन एसेट, डिपेंडिंग ऑन द एसेट इज कंप्लीटेड सी विल रिसीव आइदर 110,000 और 130,000। तो या तो 110 मिलेंगे या 130, आपको दोनों की वैल्यू दी हुई है। अगर आपने ऑन टाइम कंप्लीट किया तो क्या होगा, और अगर आपने डिले कर दिया तो क्या होगा। यहाँ पे भी ऐसा ऊपर के जैसे वेटेड एवरेज लेंगे क्या, यहाँ भी वेटेड एवरेज लेना चाहिए क्या, बताइए यहाँ भी वेटेड एवरेज लेंगे क्या? वन थर्टी, सोनू जी बोल रहे हैं नहीं यहाँ पे वेटेड एवरेज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हम मोस्ट लाइकली मेथड लगा रहे हैं, मोस्ट लाइकली मेथड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यस। यहाँ वेटेड एवरेज नहीं लग रहा है यहाँ मोस्ट, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है, जब भी दो पॉसिबिलिटीज होती है तो मोस्ट लाइकली मेथड लगाते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर इलेवन, फ्रेंचाइजर वाई लाइसेंसेज द राइट टू ऑपरेट अ स्टोर इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन टू फ्रेंचाइजर एफ। तो वाई को आपने, वाई ने एफ को राइट दिया कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में तो हमारा स्टोर रन कर। स्टोर बेस ट्रेड नेम, राइट टू सेल वाइज प्रोडक्ट फॉर 10 ईयर्स, वाई फेज अ अपफ्रंट फीस, उसके लिए सामने वाले ने अपफ्रंट फीस पे किया। वाई कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स वाई टू मेंटेन ब्रांड थ्रू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट मार्केटिंग कैंपेन। तो वाई को अपना मार्केटिंग कैंपेन वगैरह करते रहना पड़ेगा, प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, मैकडोनल्ड्स डोमिनोज ऐसे सोचिए। डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइसेंस, ये जो अपफ्रंट फीस मिली क्या मैं इमीडिएट रेवेन्यू में ट्रांसफर कर सकता हूँ। इलेवेंथ क्वेश्चन में जो ये जो अपफ्रंट फीस मिली है क्या इमीडिएट रेवेन्यू में ट्रांसफर कर सकते हैं या 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके इसे रेवेन्यू में ट्रांसफर करना है, बताइए। 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर होगा या इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा, बताइए। ओवर द पीरियड, बहुत बढ़िया सोनू जी। तो यस, यहाँ आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है इसीलिए ओवर द पीरियड, बट समथिंग लाइक जी स्टूडियोज ने राधे मूवी के राइट ले लिए थे, यहाँ आपने मूवी के राइट ले लिया, अब सामने वाले को कुछ नहीं करना है, बन गई ना मूवी, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में आप लोग इमीडिएट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी जहाँ पे आपके ऊपर कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है वहाँ पे आप इमीडिएट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। जहाँ आपके ऊपर फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, जैसे फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, इसके अंदर में हम ओवर द पीरियड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। तो आप सभी लोगों ने ओवर द पीरियड बोला, तो ये कॉन्सेप्ट एक ध्यान में रखिए बस। सो विद दिस वी कंप्लीट 11 क्वेश्चंस ऑफ इंडियस 115। इसके अलावा और कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आरटीबी एमटीबी सीरीज के अंदर में करके रखे, उनमें ये भी क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। सो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगेन चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। मैं लाइक करने क्यों बोलता हूँ मैं आपको बताता हूँ, जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो यूट्यूब उस वीडियो को बहुत सारे लोगों के सामने फिर देता है उनको एडवाइस टू वॉच के लिए, इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं होता है जिस रीज़न से हम लोग लाइक करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। सो डैट द रीज़न। अब बस ध्यान रखिए, दो सेशंस हमारे और बचे हैं, इंडियस 116 और इंडियस 101। कल 116 ले लेंगे, उसके बाद 101 ले लेंगे, तो दो दिन में हमारे पूरा का पूरे सीरीज खत्म हो जाएगी टीवाई की, जिसमें हमें सारे टीवाई के मॉड्यूल के पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे। पूरी प्लेलिस्ट एक साथ मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम में, वैसे अभी तक जितने सेशन हो चुके हैं मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर चुका हूँ, नीचे टेलीग्राम में लिंक दी हुई है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। 111 इलस्ट्रेशन 23 में जर्नल एंट्री की अमाउंट समझा दीजिए। मंदिर जी अभी 111 का सेशन में नहीं जा सकते अपन, वो आप डाउट सॉल्विंग सेशन वाले दिन पूछेगा। आरटीपी एमटीपी प्लेलिस्ट है क्या नीचे प्रशांत जी? वैसे पूरी आरटीपी एमटीपी की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, आप वो ओपन की करेंगे तो उसमें 115 आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो एंड किसी को अगर फास्ट ट्रैक बैच परचेज करना है तो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। FR वैसे ही वीडियोस भी रिफ्लेक्ट होती है सर, नहीं आप लोगों को होते हैं निकी जी, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को तो रिफ्लेक्ट होती हैं, आप लोग लाइव आते हैं हर रोज़ तो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, हम नए स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए,